आंखों में नशीला पाउडर झोंक कर दिन दहाड़े महिला से लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए आरोपी, पुलिस कर रही तलाश। बालाघाट जिले में लूटपाट की घटना बढ़ते ही जा रही है। जहां पहले बैयर में घटी घटना, उसके बाद लालबर्रा में महिला से आभूषण साफ करने के नाम पर लूट हुई और अब वाराणसी में लूट की घटना सामने आई है। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 1 में आज दिन दहाड़े एक महिला से लूट हो गई, जहां बाइक सवार दो आरोपियों ने महिला के आंखों में नशीला पाउडर झोंका और सोने की चैन खींचकर ले भागे। वहीं पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया गया है कि आरोपी बर्तन साफ करने का पाउडर बेचने के बहाने वार्ड में पहुंचे थे। इसी दौरान सुशीला गजबीय उम्र 65 वर्ष को आरोपियों ने अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद महिला ने तत्काल ही वाराणसी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद मिली है। इस आधार पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आरोपियों की एक गैंग है जो इन दिनों नगर में बर्तन बार बेचने के बहाने घरों की रेख करते हैं, जिसके बाद एकांत का फायदा उठाकर नशीला पाउडर आंखों में झोंक कर घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस घटना के बाद अलर्ट हो गई है। जिस वार्ड में वारदात हुई, उसके बाद सभी चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। वहीं रामपाली बालाघाट और डोंगरमाली मार्ग पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी, वो पाउडर उडर के बारे में आए थे, वो तामे उमे के बर्तन के बारे में, तो मैंने बोली दुकान से लाया, मेरे बच्चे ला लेते हैं दुकान से, वही घरते हैं। मैं बोली कितने लोग थे? ये अकेला था, उसके पास में काला बैग था। अच्छा, किस काम से आया था वो आपके? वो सबके घर में जाता फिर था। क्या फिर क्या हुआ? और मैंने बोली मेरे को लेना ही नहीं है, तो वो मैं आई अंदर, मेरी नातन रो रही थी, तो मैं उसकी, तो वो फिर भी मैं लौटी, तो वो लौट के यहाँ पे आके खड़ा हो गया। क्या क्या छीन के भागे आपके पास से? ये मेरे पास से एक चैन ले गया है वो, और राखी थी उसमें।